ओके, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एग्जांपल्स, मतलब हम हैमिल्टोनियन से क्वेश्चंस को, हैमिल्टोनियन को यूज़ करते हुए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स को यूज़ करते हुए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. इसमें भी हमने जो है वो सबसे पहले सबसे सिंपल केस हम लेंगे, जिसमें हमारे पास वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर है और हमें कहा गया है कि हमने उसको सॉल्व करना है बाय हैमिल्टोनस मैथड. उसका हैमिल्टोनियन फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करनी है और कंजर्व क्वांटिटीज, अगर उसमें कोई क्वांटिटी कंजर्व कर रही है तो वो भी हमने फाइंड करनी है. तो सबसे पहले हमें, जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला स्टेप आपके पास हैमिल्टोनियन के सिस्टम को सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले आपको लैग्रांजियन सॉल्व करना आना चाहिए. तभी हमने पहले लैग्रांजियन पढ़ा है, क्योंकि लैग्रांजियन अगर आपको नहीं आता तो फिर आप हैमिल्टोनियन को यूज़ नहीं कर सकते. तो हैमिल्टोनियन जो है उसके लिए आपको पहले लैग्रांजियन चाहिए. अच्छा, अब हमारे पास जो लैग्रांजियन है वो टी माइनस वी के बराबर होता है, ठीक है. तो टी इज़ अ काइनेटिक एनर्जी एंड वी इज़ अ पोटेंशियल एनर्जी. तो आपके पास सिंपल वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, जिसमें मास अटैच टू अ स्प्रिंग है, वही आपके पास वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है, क्योंकि सिंपल पेंडुलम तो आपके पास वन डायमेंशनल नहीं होता. तो मास अटैच टू अ स्प्रिंग की आपको पता है काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वेयर होती है और पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वेयर हो जाती है. तो वी को ऑब्वियसली क्योंकि वन डायमेंशनल है तो हम एक्स के फॉर्म में लिखेंगे, तो एक्स डॉट स्क्वेयर. और आपको पता है एल आ गया, तो एल दूसरा स्टेप आपका क्या होता है कि एल को यूज़ करते हुए आपने कॉन्जुगेट मोमेंटा फाइंड करना होता है. अब यहाँ पे आपके पास जो एक्स है वो आपके पास एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम है, एक्स है, उसके रिस्पेक्ट से आपने एल को डिफरेंशिएट किया एंड देन उससे रिलेटेड आपने एक्स डॉट के रिस्पेक्ट से आपने एल को डिफरेंशिएट किया एंड देन पी फाइंड कर लिया. फिर उसके बाद आपके पास, आपको जैसे पता है काइनेटिक एनर्जी टी जो है वो हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर थी, तो अगर एम एक्स डॉट जो है वो आपके पास पी के बराबर है तो आप ऊपर नीचे दोनों साइड पे इक्वेशंस को एम से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो आपके पास ऊपर हो जाएगा एम स्क्वायर एक्स डॉट स्क्वायर. एम स्क्वायर एक्स डॉट स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्चुअली पी स्क्वायर के. तो ये आ जाएगी, ये आपने पहले भी देखी हुई है फॉर्म, पी स्क्वायर बाय टू एम की फॉर्म में भी आप काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं. तो हैमिल्टोनियन की फॉर्म में लिखना है, तो हैमिल्टोनियन इक्वेशन आपके पास क्या है? हैमिल्टोनियन इक्वेशन आपके पास सिंपल ये इक्वेशन है, हमने इसको लास्ट लेक्चर में देखा है. तो ये हैमिल्टोनियन इक्वेशन है, आपने इसके अंदर लैग्रांजियन पुट करना है, पी पुट करना है और क्यू डॉट, यहाँ पे हमारा क्यू जो है वो एक्स है और समीशन होता है आपके पास ओवर द डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो यहाँ पे हमारे पास एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो वो एक्स है. तो ऑब्वियसली आपके पास सिंपल आ जाएगा पी एक्स डॉट. तो P है एम एक्स फिर एक्स डॉट माइनस लैग्रांजियन, ये सॉल्व किया तो ये इसके बराबर आ गया. तो अगर आप देखें तो पी स्केयर बाय टू एम इज़ द काइनेटिक एनर्जी एंड हाफ के एक्स स्केयर इज़ द पोटेंशियल एनर्जी. और अगर आप देखें तो हैमिल्टोनियन किसके बराबर आया? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, मतलब T प्लस वी के बराबर आया. तो आपके पास, मैंने आपको पहले वैसे बताया था कि अगर आपके पास कंजर्वेटिव फोर्स हो और होलोनॉमिक कंस्ट्रेन टाइम इंडिपेंडेंट हो तो आपके पास जो हैमिल्टोनियन है वो आपके पास कांस्टेंट ऑफ मोशन होता है और वो टोटल एनर्जी के बराबर होता. फिर दूसरी चीज़, हमने ये वाली इक्वेशंस यूज़ करनी है, एच को विद रिस्पेक्ट टू पी और एच को विद रिस्पेक्ट टू क्यू. यहाँ पे क्यू हमारा एक्स है, एच को एक दफ़ा विद रिस्पेक्ट टू पी डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है. ये भी एच आया, इसको एक दफ़ा पी, इसीलिए हमने एच को पी की फॉर्म में रखा है. एक दफ़ा पी के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे और एक दफ़ा उसको एक्स के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे और एक दफ़ा उसे टाइम के रिस्पेक्ट से भी डिफरेंशिएट कर लेंगे, क्योंकि एच अगर एक्सप्लिसिटली टाइम पे डिपेंड नहीं करता तो हमें पता है कि एच जो है वो कांस्टेंट ऑफ द मोशन होता है. और अगर आपके पास होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट है जो कि टाइम इंडिपेंडेंट है और आपके पास फोर्स भी कंजर्वेटिव है तो फिर तो आपके पास हैमिल्टोनियन जो है वो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम के बराबर होगा. तो द फर्स्ट इक्वेशन इज द डेफिनेशन ऑफ द मोमेंटम. तो जो पहली इक्वेशन है, ठीक है, यहाँ पे देखिए पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी, ठीक है, दो आपके पास एक्चुअली इक्वेशंस हैं. यहाँ पे एक दफ़ा आपने उसको पी के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट किया तो आपके पास एक्स डॉट आ गया और जब आपने उसे एक्स के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट किया तो आपके पास पी डॉट आ गया. तो जो फर्स्ट इक्वेशन है ये डेफिनेशन है मोमेंटम की और जो आपके पास सेकेंड जो है वो आपके पास क्या है इज़ द इक्वेशन ऑफ मोशन. जो ये वाली सेकेंड इक्वेशन है ये आपके पास जो है वो इक्वेशन ऑफ मोशन है. तो देखें पी डॉट इज इक्वल टू के एक्स और पी डॉट किसके बराबर था? पी किसके बराबर था? एम एक्स के. तो पी डॉट क्या हो जाएगा? एम एक्स डबल डॉट. तो पहली इक्वेशन जो है उधर से आपको मोमेंटम की डेफिनेशन मिल रही है और दूसरी वाली इक्वेशन से आपको इक्वेशन ऑफ मोशन मिल रही है, तो वो इसके बराबर होगी. और जो लास्ट इक्वेशन है वो आपको बता रही है द स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है. 5.2 है, इसमें आपके पास पार्टिकल जिसका मास m है और वो आपके पास
इज़ अट्रैक्टेड टू अ फिक्स पॉइंट ओ, मतलब वो किसी पॉइंट ओ की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और जो फोर्स उनके दरमियान में है वो इनवर्स स्क्वायर फोर्स है। मतलब जैसे आपके पास कूलम फोर्स होती है, या जैसे आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, जो उसकी इस तरह की फॉर्म है। और जी एम को किसी कॉन्स्टेंट के से इन्होंने रिप्लेस कर दिया, और इधर फिगर में इन्होंने उसको शो भी किया हुआ है। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब हमने इसको सॉल्व करना है यूजिंग हैमिल्टन्स इक्वेशन। तो सबसे पहले ये कि अब आपके पास जो यहाँ पे इन्होंने कोई वन डायमेंशन का केस नहीं किया हुआ, सिंपल आपको बताया हुआ है कि पार्टिकल इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, इनके दरमियान में डिस्टेंस आर है, जो कि ऑब्वियसली विद टाइम वेरी कर सकता है। तो आपके पास जो पार्टिकल की पोजिशन है अभी फ़िलहाल स्पेस के अंदर, आप उनको दो चीज़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर एंड थीटा। ठीक है, तो आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट हम यूज़ करेंगे, वेलोसिटी इन अ पोलर कोऑर्डिनेट्स का ये रिलेशन है, ये आपको पता होना चाहिए आराम से। पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक रेडियल कंपोनेंट होता है और एक उसका थीटा वाला कंपोनेंट होता है। ठीक है, तो रेडियल कंपोनेंट का यूनिट वेक्टर है ई आर हैट है, और जो थीटा वाला है उसका ई थीटा हैट है। ठीक है, तो ये आपके पास उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो आर डॉट और आर थीटा डॉट। ये पीछे पहले भी एक एग्जांपल में मैंने बहुत डिटेल में पिछले भी वीडियो में बताया हुआ है कि ये इस तरीके से कैसे आते हैं। लो वैसे भी ये बहुत बेसिक सा मैथ है, ये आप इसको कर सकते हैं। वेलोसिटी अगर आपको नहीं फिर भी पता, पहले मैंने किसी एक वीडियो में पीछे बताया हुआ है, और दूसरा अगर नहीं भी आपको पता तो आप इसको सॉल्व कर लें कि किस तरीके से वेलोसिटी को हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी अगर इसके बराबर है ना पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम, और वेलोसिटी ओबियसली वेलोसिटी का स्क्वायर, तो वेलोसिटी आपके पास ये है, वेलोसिटी का स्क्वायर है मतलब वी डॉट वी, मतलब वी का अपने साथ ही आपने डॉट लिया तो आपके पास ये आ जाएगा। ये भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, वी का वी के साथ डॉट लेंगे आपके पास ये आ जाएगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है कि वो अगर इन्वर्स स्क्वायर लॉ है तो माइनस के बाय आर से आपके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। अगर आपके पास इन्वर्स फोर्स लॉ जो है वो अप्लाई हो रहा हो दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में, तो उधर से हमारे पास माइनस के बाय आर से आपके पास ये आ गई। तो फिर अगेन आपने सबसे पहले मोमेंटम फाइंड करना है, क्योंकि आर और थीटा अब यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट्स हैं, तो आपने विद रिस्पेक्ट टू आर डॉट और विद रिस्पेक्ट टू थीटा डॉट डिफ्रेंशिएट करके पी आर और पी थीटा फाइंड कर लेना है। ठीक है, एल को यहाँ से फिर आपके पास, अब यहाँ पे लिखा है कि एल इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, जो आपके पास लैग्रांजियन है इसमें आपके पास टाइम नहीं आ रहा कहीं भी। ठीक है, और वी जो है वो वेलोसिटीज का फंक्शन भी नहीं है। ठीक है, वी कोई वेलोसिटी का नहीं, वो आर पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर एल जो है वो टाइम का फंक्शन नहीं है और जो वी है वो वेलोसिटीज का फंक्शन नहीं है, तो आपके पास, क्योंकि देखिए जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर एल जो है वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा तो फिर एच भी टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ थी जहाँ पे इन्होंने बताया हुआ था। ठीक है, स्टूडेंट ने ऑल्सो नोट कहा था, एक मिनट, मे ऑल्सो नोटिस द सिमिलैरिटी बिटवीन एच एंड मोमेंटम, बिकॉज एच अज्यूम्स द रोल ऑफ द कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन इफ इट इज एसोसिएट कोऑर्डिनेट दैट इज टाइम इज एबसेंट फ्रॉम द एच। मतलब जैसे आपके पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता था, इस तरह कंजर्वेशन ऑफ एच भी है कि एच जैसे पी मोमेंटम जो होता था वो आपके पास कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन होता है, तो इसी तरह आपके पास अगर वो कोऑर्डिनेट मिसिंग हो, मतलब लेट्स सपोज एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर लैग्रांजियन डिपेंड नहीं कर रहा, तो फिर आपके पास उससे रिलेटेड जो मोमेंटम होता था वो आपके पास कांस्टेंट ऑफ मोशन होता था। तो इसी तरह हैमिल्टोनियन के अंदर भी अगर टाइम नहीं है, मतलब टाइम पे वो डिपेंड नहीं कर रहा, तो फिर या एच जो है वो उसके अंदर हैमिल्टोनियन के अंदर टाइम नहीं आ रहा, तो एच जो है वो कांस्टेंट ऑफ मोशन हो जाता है। एंड सो ऑल्सो फ्रॉम एल, और एल से भी है कि मतलब जैसे एल भी अगर टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा तो इट्स मीन कि एच भी टाइम भी पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, यही वाली लाइन थी, या एक मिनट, ओके ओके हाई बट एवर, अगर एल जो है वो आपके पास टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा तो एच भी नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो और दूसरा ये कि अगर हमने यहाँ पे एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर आपके पास, ये हमने बड़ा इंपॉर्टेंट एक पैराग्राफ पढ़ा था जिसमें हमने कहा था कि अगर एच जो है वो टाइम पे एक्सप्लिसिटली डिपेंड नहीं कर रहा और आपके पास जो है वो वेलोसिटी जो है वो आपके पास, देखिए वेलोसिटी अगर आपके पास फंक्शन ऑफ देखिए अगर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी जो है वो फंक्शन ऑफ वेलोसिटी ना हो और होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट जो है वो टाइम इंडिपेंडेंट हो और
हैमिल्टोनियन जो है वो बेशक टाइम पे उस वक्त डिपेंड कर भी रहा हो, तब भी आपके पास जो है वो एच जो है वो टोटल एनर्जी के बराबर ही होगा, लेकिन एच उस वक्त कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास कंजर्वेटिव फोर्स है और हॉलोनॉमिक कंस्ट्रेंट टाइम इंडिपेंडेंट है, तो हैमिल्टोनियन जो है वो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम के बराबर होगा। ठीक है, तो मेन चीज़ ये है कि हैमिल्टोनियन को टाइम इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो अगर लैग्रांजियन टाइम इंडिपेंडेंट है तो हैमिल्टोनियन भी टाइम इंडिपेंडेंट होगा। और दूसरा ये कि बी जो है वो बी आपके पास फंक्शन नहीं है तो वेलोसिटी का, तो हम ये कह सकते हैं कि एच जो है वो बराबर होगा टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल के। ठीक है, दस इधर फ्रॉम दिस और द डेफिनेशन हैमिल्टोनियन, मतलब दोनों तरीके से आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, टी प्लस बी भी यूज़ कर सकते हैं, और बाय डेफिनेशन आप यूज़ कर सकते हैं जो हमारे पास एच की डेफिनेशन है, जो कि हमारे पास है सिग्मा पी क्यू डॉट माइनस एल। तो आपके पास अब क्योंकि सिग्मा आ गया, तो अब सिग्मा जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम पे आता है, तो यहाँ पे हमारे दो डिग्री ऑफ फ्रीडम है या दो डिपेंडेंट दो कोऑर्डिनेट्स हैं आर एंड थीटा। तो ऑब्वियसली आप समेशन ओपन करेंगे तो आप क्यू को एक दफ़ा आर लेंगे और एक दफ़ा क्यू को आप थीटा लेंगे। मैं अगेन ये इक्वेशन लिख देती हूँ, बता देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ये कैसे अप्लाई हो रहा है, ये वाली इक्वेशन है ना। तो समेशन है तो एक दफ़ा पी आर क्यू आर डॉट या आर डॉट जिसे हम कह सकते हैं, और एक दफ़ा क्या हो जाएगा पी थीटा और थीटा डॉट, समझ आए कि दो आ गई और माइनस एल हो जाएगा। ठीक है, तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। फिर आपने हैमिल्टन इक्वेशंस यूज़ करनी है, हैमिल्टन इक्वेशंस आपके पास कौन सी वाली हैं, ये वाली इक्वेशन है। तो इसमें एक दफ़ा क्यू को आप आर ले लेंगे और एक दफ़ा आप क्यू को थीटा ले लेंगे, तो यहाँ से आर डॉट थीटा डॉट की इक्वेशंस आ जाएंगी, आर डॉट थीटा डॉट और पी आर डॉट और पी थीटा डॉट आ जाएगा। तो जो फर्स्ट टू इक्वेशंस हैं ये आपके पास अगेन मोमेंटम की डेफिनेशंस को रिप्रोड्यूस कर रही हैं। जो लास्ट टू इक्वेशंस हैं ये हमारे पास ये रिप्रेजेंट कर रही हैं कि यहाँ पे देखें ये वाली जो है ना पी थीटा डॉट इज इक्वल टू जीरो, इस मीन कि पी थीटा इज कांस्टेंट ऑफ द मोशन। ठीक है, तो अब थीटा इज़ अ एज वी एक्सपेक्टेड बिकॉज थीटा इज़ अ साइक्लिक कोऑर्डिनेट, क्योंकि थीटा के ऊपर इट सेल्फ यहाँ पर डिपेंडेंस नहीं आ रही। ठीक है, लैग्रांजियन की या हैमिल्टोनियन की, थीटा इज़ अ साइक्लिक कोऑर्डिनेट। और इंटीग्रेटिंग द फर्स्ट लास्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड यूजिंग द सेकेंड इक्वेशन वी फाइंड। तो बेसिकली अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करें तो यहाँ से ओबियसली विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर आप इसे इंटीग्रेट करेंगे यहाँ से पी थीटा आ जाएगा, एंड देन फिर आप लास्ट इक्वेशन को फर्स्ट एंड यूजिंग द सेकेंड इक्वेशन वी फाइंड, सेकेंड इक्वेशन वी फाइंड, ओके पी थीटा की वैल्यू को यहाँ से इंटीग्रेट करें एंड सेकेंड इक्वेशन वी फाइंड, एक मिनट एक मिनट, पी थीटा एक्चुअली हमने फाइंड करना है ना। वैसे खैर आप ये वाली इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से भी पी थीटा फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपके पास पी थीटा इजिकल टू एम आर स्केयर थीटा डॉट है, जो कि आपको यहाँ से बता रहा है कि पी थीटा जो कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन एक्चुअली वो किसके बराबर है, एम आर थीटा डॉट स्केयर इजिकल, और ये इधर से आया है। ठीक है, ये वाली चीज़, और जो कॉन्स्टेंट जो है ना ये हमें कैसे पता चला, वो हमें इस वाली इक्वेशन से पता चला, इसलिए इन्होंने कहा कि इन दो इक्वेशन को यूज़ करना है, वो हमें यहाँ से पता चला वो कॉन्स्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द हैमिल्टोनियन ऑफ अ चार्ज फॉर अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अब हमारे पास चार्ज पार्टिकल के लिए हमें हैमिल्टोनियन फाइंड करना है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। तो सबसे पहले आपके पास 4.58 इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन उन्होंने यूज़ की है, ये उन्होंने आपको दिया हुआ था क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कि जिसमें हमने चार्ज पार्टिकल जो है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है उसके लिए लैग्रांजियन जो है जो वो कैसे फाइंड करना है, ये हम बाद में देख लेंगे उधर पीछे जाके, लेकिन ये उसके लिए लैग्रांजियन होता है, ये उसकी जो है जो जैसे भी रिलेशन आता है या आपने किया होगा, फिर दोबारा पीछे जाके देख लूँगी, अभी फ़िलहाल मैं यहीं से कर रही हूँ। और जनरलाइज मोमेंटा उससे रिलेटेड जो है वो भी उन्होंने फाइंड किया हुआ था, वो इस तरीके से आ गया। तो अगर हम इसे कंपोनेंट की फॉर्म में लिखें तो पी एक्स पी वाई और पी जेड की फॉर्म में लिखें तो एक्स वाला एक दफ़ा आ जाएगा, साथ ए एक्स, साथ वाई वाला ए वाई और जेड वाला ए जेड। ठीक है, अब बेसिकली आपके पास यहाँ से ये वी है तो आपको पता है कि वी जो होती है वो आपके पास डी एक्स बाय डी टी हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये आपके पास जो है यहाँ से एक्स डॉट वाई डॉट एंड जेड डॉट, फ्रॉम दिस वी ऑब्टेन एक्स डॉट वाई डॉट एंड जेड डॉट, डबल डॉट है लेकिन इसको सिंगल डॉट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये सिंगल डॉट है। फिर उसके बाद आपने जो लैग्रांजियन होता है वो किसके बराबर था, हाफ एम और साथ मतलब बेसिकली आपके पास क्या काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, तो टी काइनेटिक एनर्जी है वो आपके पास हाफ एम एक्स डॉट स्केयर प्लस वाई डॉट स्केयर प्लस जेड डॉट स्केयर, और माइनस जो है वो आपके पास ये जो
पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, इसको भी आपने कंपोनेंट के फॉर्म में लिख दिया। ए बी और ए का डॉट है तो एक्स डॉट, देखें यहाँ पे मैंने एक्स डॉट लिखा, एक्स डॉट ए एक्स, वाई डॉट ए वाई, जेड डॉट ए जेड। तो ये बेसिकली जो डबल डॉट लगे हैं ये सिंगल डॉट हैं और इनकी वैल्यूज़ आपने पुट करनी है, एक्स डॉट की, वाई डॉट की और जेड डॉट की। अच्छा ओके, यहाँ पे फिर आप वैल्यूज़ वगैरह पुट कर देंगे, एक्स डॉट की, वाई डॉट की, जेड डॉट की, फिर पी एक्स, पी वाई, पी जेड की फॉर्म में आ जाएगा, उसको आप पी लिख लेंगे तो आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा लैग्रांजियन का। फिर हैमिल्टोनियन के रिलेशन में आपने ये वैल्यूज़ पुट की, अब देखें पी और क्यू को जो है ना आप जब समेशन ऑपर करेंगे एक्स, वाई और जेड की फॉर्म में, तो ये पूरा जो आपके पास पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड जो है ये वाली पूरी फॉर्म, तो ये ऑब्वियसली आपके पास हो जाएगा। अगर आप देखें तो ये आपके पास P डॉट बन रहा है विद, अगर हम एक्स वाई जी को इन टर्म ऑफ R लिखें तो P डॉट R बन रहा है। लेकिन यहाँ पे आप पूरा रिलेशन पुट करेंगे एंड देन फिर उसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये हैमिल्टोनियन आ जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल जो थी वो हमारे पास थी इस फोर्थ चैप्टर में से। एक मिनट, मैं देखना चाह रही हूँ कि वो कौन सी इक्वेशन थी। यहाँ पे आपके पास 4.58 आई थिंक दे वर सेइंग। ये थी हमारे पास इस, ये हमने यहाँ पे हमारे पास थी एक मिनट, स्केल इनवेरियंस। ओके खैर, लैग्रांजियन मेथड कंसिडरेंट, ये वन एग्जाम्पल द मोस्ट एंड लोरेस्ट फोर्स दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सच अ वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल। ये वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल है, तो मतलब ये कि आपके पास यहाँ पे जो इसके लिए जो आप हैमिल्टोनियन निकालेंगे वो आपके पास कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन नहीं होगा, और आपके पास जो है वो वेलोसिटी डिपेंडेंट, का मतलब ये है कि आपके पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज है। तो आपके पास लॉरेंस फोर्स आपको देखे यहाँ पे आपके पास वो लॉरेंस फोर्स इटसेल्फ भी डिपेंड कर रही होती है, वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर बी है, स्केलर पोटेंशियल है साई एंड वेक्टर पोटेंशियल ए। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म में बेसिकली ये जो चीज़ है ई जो है ये आपके पास इलेक्ट्रोडायनामिक्स से ये इक्वेशन आती है, बी जो है वो डेल क्रॉस ए के बराबर होता है, और ई जो है ये आपके पास मैक्सवेल इक्वेशंस हैं उससे भी आ जाता है। और इसके अलावा ये कि वैसे नॉर्मली आप ई को लेते हैं माइनस डेल ऑफ स्केलर पोटेंशियल, लेकिन उसके साथ ये वाला ए वेक्टर भी आता है। तो बेसिकली ये मैथ आप इसको भी फिलहाल याद कर लें, जब हम इलेक्ट्रोडायनेमिक का कोर्स में आगे जाएंगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ई इसके बराबर और बी जो है वो इसके बराबर कैसे आया जब आप वेक्टर पोटेंशियल ए पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली इन्होंने लिखा हुआ है कि ई इसके बराबर है और बी इसके बराबर है, ठीक है। तो स्केलर पोटेंशियल एस आई जो है स्केलर पोटेंशियल ए वेक्टर पोटेंशियल है, या आपके पास इन जनरल जो है आपके पास फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम है। अब इसके अगर आप एक्स कंपोनेंट कंसीडर करेंगे डेल एक्स एक्स, तो वो पार्शियल साई और पार्शियल एक्स के बराबर होगा। फिर इसको इन्होंने पूरा यहाँ पे सॉल्व किया है एंड देन फिर आपके पास एक फाइनल रिलेशन इन्होंने निकाला है यू का, और फिर उसके लिए लैग्रांजियन एंड देन फिर उसके लिए मोमेंटम। तो ये चीज़ आप लाजमी देख लें, ये ईजी मैथ है, इसी को ही आगे यूज़ किया गया है, ठीक है। तो यहाँ तक हम सॉरी किधर आ गए, ठीक है। अजान होने वाली है तो मैं इसको यहाँ पे वाइंड अप करके अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंटीग्रल ऑफ मोशन एंड कंजर्वेटिव थ्योरम्स कराऊंगी।